बिहार में चुनाव नजदीक है, लिहाजा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर फिर से जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने 29 अगस्त को पटना में कोरोना और बाढ़ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेकर तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मेरे कहने के बाद आनंद फानन में दो बार हेलीकॉप्टर से दौरा किया है। तेजस्वी ने आगे कहा कि दिखाने के लिए सिर्फ 2-3 हेलीकॉप्टर चले हैं। आप देखिएगा, जो हेलीकॉप्टर जो भी चले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैं जानना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि कितने दिन जो है हेलीकॉप्टर जो है वायुसेना के चले हैं, कितने हेलीकॉप्टर चले हैं। केवल मात्र 2-3 दिन जो है दिखाने के लिए उन्होंने वितरण कराया है जो राशन, लेकिन कितने दिन जो है हेलीकॉप्टर चला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी का ये बड़ा हमला है। तेजस्वी ने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार, बाढ़ और कोरोना को लेकर सरकार सदन के अंदर और बाहर गंभीर नहीं दिखती। डबल इंजन की सरकार है और लगातार हम लोग आवाज उठाते रहे हैं इस मसले को लेकर के, सरकार से सवाल पूछा है, लेकिन कभी भी चाहे सदन के अंदर या सदन के बाहर कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि सरकार जो है बाढ़ और कोरोना को लेकर के गंभीर रही। तेजस्वी ने पुल पुलिया और अप्रोच रोड को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के तेवर और दलबदल का दौर जारी है। सभी पार्टियां अपने समीकरण बनाने में लगी हुई हैं, लेकिन इन सबके साथ तेजस्वी सरकार को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। साथ ही तेजस्वी लालू कार्ड खेलने में भी लगे हैं। तेजस्वी बाढ़ प्रभावित इलाकों में जहां भी जा रहे हैं, वहां भोजपुरी अंदाज में कहते हैं, हमका को लालू जी भेजे हैं, बेटा है उनका, नीतीश कुमार कोई काम नहीं कर रहा है। हमने तो लालू जी भेजे हैं, लालू जी भेजे हैं, बेटा है उनका। तेजस्वी अच्छे से जानते हैं कि सरकार को कैसे घेरना है। सभी जाति के समीकरण को साधने के साथ साथ बिहार में फिर से लालटेन जलाने के लिए लालू कार्ड सबसे ज्यादा जरूरी है। पटना से रोहित सिंह, बिहार तक।